कोर्ट में सरेंडर करने के बाद माना यह जा रहा है कि उन्हें ऑथर रोड जेल ले जाया जाएगा और मेडिकल चेकअप करने के बाद यरवड़ा जेल जो पुणे में है वहां पर संजू बाबा को शिफ्ट किया जा सकता है। वहीं संजय दत्त के सरेंडर को लेकर उनके फैंस ही नहीं पूरा बॉलीवुड बेचैन है। परिवार के लोग भी भावुक हैं, लेकिन संजय दत्त खुद को मजबूत रखने की कोशिश में नजर आए। बुधवार का दिन उन्हें बेचैन कर रहा था, लेकिन पूरा वक्त उन्होंने अपने परिवार के साथ बिताया। 15 मई को संजय दत्त ने क्या क्या किया? संजू बाबा ने बुधवार को फैसला कर लिया था कि वो पूरे दिन घर पर रहेंगे, आखिरी कुछ घंटे सिर्फ और सिर्फ परिवार को देंगे। सुबह उठकर उन्होंने जैसे ही चाय की चुस्की ली, उनकी आंखों में आंसू आ गए। पत्नी मान्यता ने उन्हें प्यार से समझाया, जिसके बाद संजय दत्त ने बड़ी मुश्किल से चाय के साथ 2 बिस्किट खाए। संजय परिवार के बीच बार बार भावुक हो रहे थे, कभी बेटा शहरान तो कभी बेटी इकरा को गले लगा रहे थे, गोद में लेकर दोनों बच्चों को चूम लेते थे, आंखें बंद कर आसमान की तरफ देखने लगते थे। थोड़ी देर बाद घर में पूजा शुरू हुई, पंडित के अलावा दोनों बहनें और बहनोई घर में मौजूद थे। संजय दत्त के करीबी दोस्त यूसुफ नलवाला, राज कुंद्रा और संजय गुप्ता भी वहां पहुंचे। पूजा खत्म हुई, डाइनिंग टेबल पर दोपहर का खाना रखा गया, लेकिन संजय कमरे में ही बैठे रहे। बहन प्रिया दत्त उनके पास गई, मान्यता वहां दोनों बच्चों के साथ कमरे में आई। थोड़ी देर बाद सभी लोग खाने पर बैठे। संजय दत्त ने जैसे तैसे खाना खाया। खाना खाने के बाद वो थोड़ी देर बिस्तर पर लेटे, आंखें बंद की और फिर पुराने फोटो एल्बम पलटने लगे। तस्वीरों में पापा सुनील दत्त और माँ नरगिस को देखकर संजय की आंखों से आंसू निकल गए, लेकिन अगले पल जैसे ही अपने बच्चों की कुछ साल पहले की तस्वीरें देखी, आंखों में खुशी के आंसू छलक आए। शाम के वक्त संजय के घर पर कई करीबी दोस्त आए, अजय देवगन और डेविड धवन भी पहुंचे, लेकिन संजू सभी लोगों से बात नहीं कर पा रहे थे। दोस्त और घरवाले उन्हें बार बार ढांढस बंधा रहे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। काफी ज्यादा मुश्किलों भरा दिन कल का भी रहा संजू बाबा के लिए और आज का दिन भी। हालांकि माना यह जा रहा है तकरीबन 11 बजे के बाद वो अपने घर से निकलेंगे, सरेंडर करने के लिए सीधे कोर्ट का रुख करेंगे। सेशन कोर्ट के बाहर से हमारे संवाददाता सत्यप्रकाश जुड़े हुए हैं, जबकि अभिषेक हमारे साथ संजय दत्त के घर के ठीक बाहर से मौजूद है। एक बार फिर से अभिषेक, जरा तस्वीरें दिखाइए हमारे दर्शकों को। और आपने जैसा जिक्र किया कि इस वक्त सिर्फ परिवार के लोग ही मौजूद हैं, कहा यह जा रहा है कि बॉलीवुड की कुछ हस्तियां भी आ सकती हैं उनसे मुलाकात करने के लिए। बिल्कुल सीधे बल्कि मैं चित्रों के जरिए आपको दिखाना चाहूंगा कि जिस तरह देखिए, जिस तरह से इतना हरे रंग के कपड़े बकायदा उनके चार दीवारी पर लगाए गए हैं और पुलिस की बकायदा चौबंदी व्यवस्था की गई है। यह पुलिस जो आप मुख्य द्वार पर देख पा रही हैं, यही सिलसिला पूरे चारों तरफ जो बिल्डिंग के चारों तरफ है वहां है और अंदर भी पुलिस के चारों तरफ सुरक्षा व्यवस्था लगाई गई है। साथ ही जिस रास्तों से गुजरेंगे उन तमाम जगहों पर, तमाम रास्तों पर सुरक्षा व्यवस्था के साथ चौबंद इंतजाम किए गए हैं। पुलिस की भारी पैमाने पर तैनाती यहां पर की गई है। साथ ही जो जैसा कि आपने पूछा कि घर में जरूर उनके तमाम उनके सदस्य मौजूद हैं और जब वह सरेंडर करने के लिए यहां से निकलेंगे तो हो सकता है कुछ लोग मौजूद हों और कुछ लोग यहां पे आ सकते हैं जरूर, क्योंकि जो कि मामला कोर्ट का है, कोर्ट में भी जाएंगे तो हो सकता है कोर्ट में भी तमाम लोग आ सकते हैं। और उस वक्त जब वह, क्योंकि कोर्ट यही वो जगह होगी कि जब वह उसके बाद अंतिम समय होगा, वह उसके बाद किसी से नहीं मिल सकते हैं, जिसको मिलना होगा उन्हें जेल में ही जाना पड़ेगा। तो